पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी सरकार ने शुक्रवार यानी 1 मार्च को बसीरहाट पुलिस जिले से 2 अधिकारियों को हटा दिया। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस के निदेशक डीएसपी सुजीत कुमार मंडल और इंस्पेक्टर काजल बनर्जी को उनके पद से हटा दिया गया है। सुजीत कुमार मंडल को रायगंज पुलिस जिले में फिर से नियुक्त किया गया, जबकि काजल बनर्जी को राज्य सीआईडी में ट्रांसफर कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि बैर कपूर पुलिस जिले के एक निरीक्षक राकेश चटर्जी ने सुजीत कुमार मंडल की जगह ली है। उन्होंने कहा कि काजल चटर्जी हिंगलंग। बता दें, सुंदरबन के किनारे में स्थित संदेश खाली गांव लगभग 2 महीने से सुर्खियों में बना हुआ है। यहां की महिलाओं ने शाहजहां, शेख और उनके करीबियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही गांव के लोगों ने शेख पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है। इस साल 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने गई थी, तब ईडी की टीम पर हमला हुआ था। उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार था। बीते हफ्ते कलकत्ता हाईकोर्ट ने 7 दिन के अंदर शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इसके बाद गुरुवार को 55 दिन से फरार शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ था। फिलहाल स्थानीय कोर्ट ने शाहजहां को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के मामले में कथित आरोपी तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता शेख शाहजहां के पुलिस ने मीना खान से गिरफ्तार कर लिया। शेख को गुरुवार को जिले की एक कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। शाहजहां के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर चीफ जस्टिस टीएस शिवगड़म ने भी खास टिप्पणी की है। बता दें, गुरुवार को शेख शाहजहां के वकील अग्रिम जमानत याचिका पर राहत मांगने के लिए जब कोर्ट रुख से दाखिल हुए, तो उनके देखकर चीफ जस्टिस टीएस शिवगड़म ने कहा, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वहीं अग्रिम जमानत याचिका पर राहत मांगते हुए शेख शाहजहां के वकील ने कोर्ट के सक्षम दलील दी। मी लॉर्ड मेरे मुवक्किल के खिलाफ कई टिप्पणियां की गई थी, मेरी अग्रिम जमानत अपनी कोर्ट के सक्षम लंबित है। वही मुवक्किल की दलीलों को सुनाने के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगड़म ने कहा, मिस्टर काउंसिल, इस शख्स के खिलाफ 43 केस है, ध्यान रहे, अब अगले 10 सालों तक ये व्यक्ति आपको बिजी रखेगा, आपको कम से कम अगले 10 साल तक उसके सभी मामले संभाले होंगे। वही हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।